वफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से शराकत इक्तदार के लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया है। ये आधी आधी वजारत उज़्मा के लिए जो फार्मूला तैयार किया गया है इस पर बात होगी। मेरा नाम है ज़ीशान रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि कीमती वक्त निकालते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो आइंदा जो अभी जो सूरत हाल है अगर हम बात करें तो आम इंतखाबात के बाद अब जो दिन है इन दिनों में सियासी जो जोर तोड़ है बड़ा तेजी के साथ जारी है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से और IPP की जानिब से जो है वो जो आजाद उम्मीदवार है उनसे राबते किए जा रहे हैं और आजाद उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं उनमें कुछ उम्मीदवार जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। अभी सूबाई असम्बली के जो अराकीन है उनसे भी रवाबत जारी है, इस पर बात होगी। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनका नाम सामने आया है और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज साहबा का नाम सामने आया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ही अहम इजलास होने जा रहा है और आज इस इजलास में हतमी फैसला हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्या डिसाइड करेगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है इस हवाले से क्योंकि उनकी मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के दरमियान जो मुलाकात हुई जो चीजें तय हुई वो सबसे पहले आपको मैं शेयर करता हूं। अब जो डिसाइड किया गया है वो ये किया गया है कि गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात हुई थी उसमें के जिसके पास जिस पार्टी के पास क्योंकि दो ही पार्टियां इस वक्त जो आपस में इत्तेहाद करने जा रही हैं क्योंकि अब जो इत्तेहाद हो रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन दोनों के दरमियान वजारत उज़्मा के हवाले से बातचीत हो रही है। अगर हम बात करें इत्तेहाद की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और MQM और JUIF इनके ये इत्तेहादी होंगे, ये हुकूमत जो है वो बनाएंगे और लेकर चलेंगे और काफ लीग भी इसमें जो है वो शामिल होने जा रही है। तो अब सूरत हाल ये है कि जो गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई थी उसमें क्या बातचीत की गई, उसमें ये फैसला हुआ था कि जिसके पास सीट ज्यादा होंगी यानी कौमी असम्बली की जिसके पास नशिस्तें ज्यादा होंगी जिस पार्टी के पास वो 3 साल हुकूमत करेगी और जिसके पास सीट जो है वो कम होगी वो 2 साल हुकूमत करेगी। अब आज अहम इजलास है पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है वो ये कहती है कि जो अहदेदार हैं उन्होंने ये मशवरा दिया है, बिलावल भुट्टो जो है उनको मशवरा दिया है कि अगर आप क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बना सकती है तो ऐसे में पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो जो है उनका नाम किया गया है कि आप ही वजारत उज़्मा के लिए मुंतखब हों और अगर आप वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं होते हैं पहले 3 साल में तो फिर दूसरा फार्मूला ये है कि आप अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आए, आप जो है वो ये कमजोर इत्तेहादी हुकूमत है इसलिए आप इसमें बैठने के बजाय आप अपोजिशन लीडर के तौर पर बैठे, ये उन्हें मशवरा दिया जा रहा है कि आप अपोजिशन में बैठें और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी क्योंकि पहले PDM के साथ मिलकर चले हैं एक साथ चले हैं लेकिन कोई अच्छे जो है वो नतायज नहीं सामने आ सके। मशवरा ये दिया जा रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्हें कि आप जो है वो अपोजिशन में बैठे, अगर आपको पहले 3 साल जो है वो वज़ीर आज़म आप नहीं मुंतखब होते हैं वजारत उज़्मा के लिए आपको नहीं चुना जाता है, अगले 2 साल मुस्लिम लीग नून जो है उनके वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ जो है उनका नाम सामने आया था और मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 नाम तजवीज किए गए हैं और इस पे पीपल्स पार्टी की जानिब से भी डिसाइड ये किया गया कि पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत की है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। पीपल्स पार्टी ने कल होने वाली जो मुलाकात में इस सारे मामले पर जो है वो हिमायत का ऐलान किया था। अब देखना ये होगा क्योंकि वक्त मांगा गया था क्योंकि ये इत्तफाक तो हो गया कि एक साथ चलेंगे इत्तेहाद करेंगे लेकिन आज का जो इजलास है वो बहुत अहम है कि आज पीपल्स पार्टी का यह हतमी इजलास होगा, आज तय कर लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी चलेगी या फिर अपोजिशन में बैठेगी, ये ही 2 सूरतें हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर आजाद उम्मीदवार तो आजाद उम्मीदवार जो है उन्होंने 92 नशिस्तें लेने में कामयाब तो हो गए लेकिन ये सीट्स इतनी नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो बनाई जा सकती है
और अभी सूरत हाल ये है कि कुछ जो आजाद उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून में भी शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई की जानिब से हलफ मांग लिया गया है। गौर अली खान जो है उनकी जानिब से हलफ मांगा गया है कि ताकि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो किसी जमात में शामिल ना हो। लेकिन अभी बहुत सारे आजाद उम्मीदवार, खासतौर पर सूबाई असम्बलियों के मुंतखब होने वाले, जो नौ मुंतखब होने वाले उम्मीदवार हैं, ये इनकी बातचीत चल रही है। मियां शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो हैं उनके जानिब से राबते किए जा रहे हैं, और इन नौ मुंतखब अराकीन के साथ, और बहुत सारे नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं बहुत सारे वो नाम डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो अभी डिस्क्लोज करने वाली नहीं है, और अभी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसलिए अभी हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जो सबसे अहम बात है, देखिए पहले ये चीज थी कि आजाद उम्मीदवार जो है वो गेम चेंजर के तौर पर सामने आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि गेम चेंजर है। अब आजाद उम्मीदवार जो है वो शामिल होने वाले हैं, हो रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज में को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज्यादा नशिस्तें होंगी वफाक में हकूमत, वही पार्टी जो है वो बना पाएगी। और ये जो जो हकूमत साजी का फार्मूला तैयार किया गया है, ढाई ढाई ये 3 साल और 2 साल वाला जो फार्मूला तैयार हुआ है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जिसके पास नशिस्तें ज्यादा हो जाएंगी वही 3 साल हुकूमत जो है वो बनाएगा। और अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी अहम इजलास जो है वो जारी है, और पीपल्स पार्टी के इस अहम इजलास के बाद पीपल्स पार्टी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएगी कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी को, जैसे मैंने आपको बताया कि बिलावल भुट्टो जो है उन्हें अपोजिशन लीडर बनने के लिए भी मशवरा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि बिलावल भुट्टो क्या फैसला करते हैं, कि अभी इस बात पर तो इत्तफाक हो चुका है कि मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब बनेगी। यानी कि ये बात तो, ये खबर तो अब आप ये समझे कि ये तो कंफर्म है, फैसला हो चुका है कि अगला वजीर आला पंजाब कौन होगा। इसका फैसला तो, ये तो ब्रेकिंग है, ये तो लेटेस्ट न्यूज कंफर्म है कि अगला वजीर आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज साहबा वजीर आला पंजाब होंगी। अब देखना, बात जो असल है वो है कि वजीर आजम कौन होगा। तो दो ही नाम है, मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, दो नाम है। ये इकतदार में 3 साल पहले, 3 साल कौन आएगा और लास्ट 2 साल में कौन जो है वो आता है, ये अब आज का पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी, और फैसला जो है वो सुनाएगी कि पीपल्स पार्टी आखिर पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी काफी डिटेल में मुलाकात रही, और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि एमकेएम के वफद के साथ भी मुस्लिम लीग नून की जो है वो मुलाकात हुई है, और बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ भी राबते जारी हैं। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोशिश है कि इत्तेहाद किया जाए। बहुत सारी जो जमातें हैं जिसमें JUIF के साथ इत्तेहाद हो चुका है, और क्योंकि काफ लीग के साथ भी राबते जारी हैं। चौधरी शुजात हुसैन जो है उनसे राबता, मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनका हुआ है, जो हमें जराए हमें बताते हैं, वो बता रहे हैं कि उनका राबता हो चुका है। तो ये जमातें होंगी जो मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बनाएंगी। और आजाद उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो आजाद उम्मीदवार जो है, क्योंकि अभी जो सरकारी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन है वो अब जारी होने वाला है उसके अगले 3 रोज, यानी आप ये लगा लें कि 23-24 तारीख जो है वो बड़ी अहम तारीख होगी, यानी अगले जो चंद दिन है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है उसके अगले 3 रोज होते हैं जिसमें आपने डिसाइड करना होता है कि आप किसी भी जमात को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 3 दिन का वक्त होता है आपके पास। तो ये 3 दिन बहुत अहम होंगे, उससे पहले भी बहुत सारे चीजें आपके सामने आ जाएंगी। यानी कि ये जो अगले 3 रोज हैं इसमें भी चीजें काफी हद तक आपको क्लियर होती दिखाई देंगी। बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये हमारे जराए जो हैं वो बताते हैं, और हम भी आपके साथ ये तमाम तफसीलात जो हैं वो इसी तरह इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। और जो लेटेस्ट न्यूज होती है वो तो हम, मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले अपने नाजरीन को जो है वो आगाह करूं। पहले हमने इलेक्शन की जो लेटेस्ट अपडेट्स थी वो आपको बताई,
कौन किस पार्टी में जा रहा था वो भी आपको बताया। जो अभी सियासी जोड़ तोड़ जो है वो उसे मजीद तेज कर दिया गया है, क्योंकि दिन कम है और कोशिश है कि जल्द से जल्द जो सियासी जमातें हैं, दो ही बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें इस वक्त जो सूरत हाल है, मिलकर जो हुकूमत बनाना चाह रहे हैं वो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। और बाकी अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जो है वो अभी मौजूद है, उनसे हलफ मांगा गया है। अब देखें, देखना यह है कि अपोजिशन में कौन बैठेगा और हुकूमत कौन चलाएगा। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी करें, अच्छी करें बुरी करें, लेकिन अपनी राय का इजहार लाजमी क्या करें। फिलवक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।